बदल गई है टीम इंडिया, दो खिलाड़ियों को किया बाहर। ये वीडियो में जानने से पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर जल्द ही टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे। दोस्तों दीपक चहर बाहर हो गए हैं चोट के कारण, तथा जो श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई जो कि रिजर्व प्लेयर के रूप में थे इंडिया में, अब वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हैं दोस्तों, और सिर्फ अब घरेलू मैच ही खेल पाएंगे। 12 अक्टूबर को सिराज, शमी और ठाकुर रवाना हुए ऑस्ट्रेलिया दोस्तों वर्ल्ड कप टीम के साथ जुड़ने के लिए। शार्दुल ठाकुर से दीपक चहर के जगह पर आए हैं दोस्तों, और इसके बाद श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई दोनों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलेंगे इंडिया में। श्रेयस अय्यर मुंबई के तरफ से जबकि बिश्नोई राजस्थान के तरफ से खेलेंगे। दोस्तों टीम इंडिया बदल गई है, पूरी तरह से बदल गई है, नेट बॉलर भी बदल गए हैं दोस्तों। भारत की वर्ल्ड कप टीमें इस प्रकार से हैं: रोहित शर्मा कैप्टन, राहुल, विराट कोहली, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, हर्षदीप सिंह शामिल हैं। वहीं रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शमी, सिराज और ठाकुर शामिल हो गए हैं दोस्तों। इसके अलावा उमरान मलिक, कुलदीप सेन वीजा नहीं मिलने के कारण ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए हैं दोस्तों। इसके अलावा चेतन सकारिया और मुकेश चौधरी को नेट बॉलर के रूप में टीम इंडिया में शामिल कर लिया है दोस्तों। इधर T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है दोस्तों, जो कि 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में खेला जाएगा दोस्तों। 5 नवंबर तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि इंडिया में होना है, उसके लिए 3 बाकी प्लेयर यहाँ रहेंगे। बाकी बुमराह के जगह अभी पक्की नहीं हो पाई दोस्तों, परंतु डेड लाइन 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर तक नाम शामिल देना पड़ेगा इंडियन टीम को, BCCI को। इस तरह से बुमराह के जगह हो सकते हैं मोहम्मद शमी चुन के आए, क्योंकि शमी का चांस ज़्यादा है। और सिराज अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी बढ़िया प्रदर्शन किए थे, उनका भी नाम जुट रहा है। इसके अलावा एक बच गए शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर वो ऑलराउंडर प्लेयर हैं दोस्तों, शार्दुल ठाकुर भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो उनका खेल भी बहुत बढ़िया हुआ, वो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, फील्डिंग भी बढ़िया करते हैं। इस तरह से टीम इंडिया टोटली बदल गई है दोस्तों। इसके अलावा भी अगर टीम इंडिया को और भी जरूरत पड़ी तो हो सकता है श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को ऑस्ट्रेलिया बुलाया जा सकता है, क्योंकि अगर कहीं चोट के कारण और जरूरत पड़ता है तो बुलाया जा सकता है। फिलहाल टीम में सूर्य कुमार यादव हैं, जो कि मिडिल में बहुत ही धाकड़ बल्लेबाजी करते हैं, 360 प्लेयर बोला जाता है। उम्मीद करते हैं टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से छीन कर ले आएगा। जय हिंद, जय इंडियन क्रिकेट टीम। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।